हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 28वें अध्याय कपिलाज इंस्ट्रक्शंस ऑन डिवोशनल सर्विस पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने बहुत सुंदर रूप से देखा कि किस प्रकार एक योगी को भगवान के आंखों के ऊपर, भगवान के स्मितहास्य के ऊपर, भगवान की भौहों के ऊपर, भगवान के अपने भक्तों के ऊपर होने वाली कृपा जो वो दर्शाते हैं उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और इस प्रकार के ध्यान से एक जीव अपने भय, क्रोध, लोभ इन सब से ऊपर आ सकता है। सो वी सी द अल्टीमेट मर्सी एंड अल्टीमेट रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा इज ऑलवेज वेरी वेरी पर्सनल। जब तक हम भक्ति में भगवान के साथ एक वैयक्तिक संबंध स्थापित नहीं करते, हमें भगवान की शक्तियां, उनका ऐश्वर्य दिखा सकती हैं, लेकिन शक्तियां कभी भी माधुर्य या प्रेम नहीं दिखा सकती। अगर माधुर्य या प्रेम को एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए पर्सनल संबंध ये एकमात्र उपाय है। अनलेस वन हैज अ पर्सनल रिलेशनशिप विद कृष्णा, वन विल नेवर बी एबल टू एक्सपीरियंस लव। वन माइट बी एबल टू एक्सपीरियंस पावर, ग्रैंडियर, सक्सेस, एवरीथिंग, बट द वांटिंग ऑफ और क्रेविंग ऑफ लव दैट वी हैव। मुख्यतः जीव को क्या चाहिए? मुख्यतः जीव को प्रेम चाहिए। अगर प्रेम है तो बाकी जो कुछ भी हो रहा है सब ठीक है, लेकिन अगर जीव को प्रेम नहीं मिल रहा देन ही इज रियली हैंगरिंग। सो प्रेम ये तो व्यक्तिगत चीज है। आप एक ट्यूबलाइट से, आप अपनी गाड़ी से प्रेम नहीं करते। Yes, you might be keeping it clean, but there is no reciprocation. Yes. So reciprocation is there only when living entity is there. When there is life, there is reciprocation. Otherwise, everything is quite mechanical. Yes. So आज से हम इस श्रृंखला के आगे के श्लोकों पर चर्चा करेंगे। श्लोक क्रमांक 33 शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतावतकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 33। ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाधरोष्ट भासारुणायित तनु द्विज कुंद पंक्ति ध्यायेत् स्वदेह कुहरेव सितस्य विष्णो भरत्याद्रयार्पितमनान पृथग्दिदृक्षेत। With devotion steeped in love and affection, the yogi should meditate within the core of his heart upon the laughter of Lord Vishnu. The laughter of Vishnu is so captivating that it can be easily meditated upon. When the Supreme Lord is laughing, one can see his small teeth, which resemble jasmine buds, rendered rosy by the splendor of his lips. Once devoting
his mind to this. The yogi should no longer desire to see anything else. तो भगवान का कितना सुंदर पर्सनल वर्णन यहां पे आ रहा है. एवरीथिंग इज अ वेरी पर्सनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी ऑफ कृष्णा. यस, तो जैसे हमने पहले भी देखा था कि कृष्णाज बॉडी, भगवान का जो शरीर है, अत्यंत सुंदर है. इस सुंदर शरीर में सबसे प्रमुख है उनका मुख कमल. That stands out in beauty as compared to any other part of his torso. इस पूरे मुखकमल में भी सबसे सुंदर है उनका हास्य. और जब वो हंसते हैं तो उनके छोटे छोटे दांत दिखते हैं जो कि उनके लालिमा पूर्ण होठों से बहुत सुंदर झलकते हैं. So it is explained that Lord's teeth are like the whitest of the pearls. सबसे सुंदर मोती जो हैं, उनके समान भगवान विष्णु के दांत हैं. वो लस्चर है उनके दांतों में. और भगवान के जो होठ हैं, वो कैसे हैं? भगवान के होठ ऐसे हैं जैसे पोमोग्रेनेट के जो दाने होते हैं ना, उसका जो कलर होता है वो भगवान के अधरों का, भगवान के होठों का कलर है. तो आप विचार कीजिए, पोमोग्रेनेट के दानों के समान जो होठ हैं, उस रंग, उसके अंदर शुभ्र दैदीप्यमान मोतियों के जैसे छोटे छोटे दांत. इट वाज सो कैप्टिवेटिंग. यस, सो एंटायर एसेंस ऑफ मेडिटेशन इज टू बिकम कैप्टिवेटेड. व्यक्ति जब प्रेम करता है तो प्रेम में क्या होना चाहता है? वो पागल होना चाहता है कि नहीं? व्यक्ति जब प्रेम करता है, उस प्रेम में व्यक्ति क्या होना चाहता है? व्यक्ति पागल होना चाहता है प्रेम में. उसी प्रकार से अगर भगवान से प्रेम करना है तो ऐसा प्रेम करो कि पागल हो जाओ. बट देन दिस स्टेट ऑफ बिकमिंग मैड आफ्टर कृष्णा is after a lot of purification. It cannot be faked. This is a disclaimer. Yes. ये कोई आपने बोला, मैंने सुना, मैंने कर लिया, अरे वाह वाह वाह, क्या हो गया परफॉर्मेंस ना, ये ऐसी चीज नहीं है. This is something which will automatically be aroused. ये अपने आप, yes, स्वयं स्फुरति, स्वयं स्फुरण होगा इन सारी चीजों का. This is the beauty of bhakti. Yes, it cannot be faked and it cannot be imitated. It should not be imitated, it cannot be faked. Shlok kramank 34. Evam harau bhagavati pratilabdh bhavo bhaktya dravadhrya utpalak utpulak pramodat औत्कंठ्य बाष्पकलया मुहुरद्यमानस तच्चापि चित्तबड़िशं शनकैर्वियुङ्क्ते. By following this course, the yogi gradually develops pure love for the Supreme Personality of Godhead Hari. In the course of his progress in devotional service, the hairs on his body stand erect through excessive joy. And he is constantly bathed in a stream of tears occasioned by intense love. Gradually, even the mind which he used as a means to attract the Lord, as one attracts a fish to the hook, withdraws from material activity. तो भगवान के ऐसे सुंदर रूप पर जब योगी अपना ध्यान केंद्रित करेगा, अष्ट सात्विक विकार अपने आप उसके रोमांचकंप अश्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणार विंदम. यस, श्री गुरु कैसे हैं? हरि अष्ट सात्विक विकारों से परिपूर्ण है.
और ऐसे वो भगवान के श्रवण कीर्तन में खुद लगते हैं और दूसरों को भी लगाते हैं। ऐसे गुरु के श्री चरणों में मेरा वंदन है। सो जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि एवरीथिंग इज स्वयमेव स्फुरत्यद, सेवोन्मुखी ही जिम वादव स्वयमेव स्फुरत्यद श्री य अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे ग्राह्यम इंद्रियैः। From our material blunt senses, we cannot actually fully fathom the naam, roop, guna and leela of Krishna. Yes. Sevon mukhi hi jivha adav. Seva unmukh jivha. Jivha se hum kya karya karte hain? Jivha do karya karti hai. Jivha ye ek hi indriya hai jo karmendriya bhi hai aur gyanendriya bhi hai. अदरवाइज बाकी सारी इंद्रिय कर्म के और ज्ञान के अलग अलग हैं, लेकिन ये एक ही इंद्रिय ऐसा है जो ज्ञान भी अर्जन करता है इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट और कर्म भी करता है, इट टॉक्स, इट स्पीक्स। यस, सो बाकी सारी इंद्रियां दो हैं, एक काम करते हैं। आंखें दो हैं, एक काम करते हैं देखना। कान दो हैं, एक काम करते हैं सुनना। नासिकाएं दो हैं, एक काम करती है सूंघना। जिह्वा एक ही है जो दो काम करती है, तो रसन और प्रलपन, रस आस्वादन करना और बातचीत करना, दोनों। सो भक्ति यहां से शुरू होती है। सेवोन्मुखी ही जिह्वा आदौ, तब स्वयमेव स्फुरति, अपने आप हृदय से वो प्रकट होगा। यस, सो जब वो हृदय से प्रकट होगा तब वो भाव के स्तर पर जाएगा। जब वह अपने आप अपने सेंसेस और माइंड को रेगुलेट करने की बात आती है तब तक वह साधना भक्ति है, तब तक वह साधना भक्ति है। जब स्वयमेव स्फुरत्यदः तब वो भाव भक्ति बन जाती है। So, इस प्रकार के मेडिटेशन से what happens when gradually is able to give up the association of material contact, इंद्रियों का जो इंद्रिय विषय वस्तुओं के प्रति आकर्षण है ये कब जाएगा? भगवान यहां बता रहे हैं ऐसी परिस्थिति में जब एक योगी के हृदय में भगवान आकर के स्थित हो जाएंगे, उस अवस्था में ही, when the mind gets something higher, then it is able to give up some lower text. Yes, हम देखते हैं भगवत गीता में भी यही भगवान कहते हैं, yes, you get a higher taste, only then you are able to give up lower taste. So, when a yogi is able to meditate on the form of Krishna through continuous practice, in due course of time, the hankering for sense gratification, mental gratification will keep on slowly, 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 slowly reducing. धीरे 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 वो कम होती जाएगी। ऐसी अवस्था में आंखों से अश्रु धाराएं बहेंगी, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अष्ट सात्विक विकार उसके शरीर पर अनायास होंगे। श्लोक क्रमांक 35। मुक्ताश्रयम् यर्हि निर्विषयम् विरक्तम् निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्चिः आत्मानमत्र पुरुषो व्यदधानमेकः अन्वीक्षते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह। When the mind is thus completely freed from all material contamination and detached from material objectives, it is just like the flame of a lamp. At that time, the mind is actually dovetailed with that of the Supreme Lord and is experienced as one with him because it is freed from the interactive flow of material qualities. Yes. तो जब मन इस प्रकार से भगवान की सेवा में पूरी तरह से संलग्न हो जाएगा, भगवान के स्वरूप पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेगा,
See, this is a very, very important progress of a devotee. हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि हमारे मन में भगवान आ रहे हैं, है कि नहीं? हम जब जप करते हैं तब भी हम भगवान के बारे में ध्यान नहीं करते, है कि नहीं? मुंह से हरे कृष्णा चल रहा है, मन तो वर्ल्ड टूर पर ही गया हुआ है। Yes. मन सोच रहा है आज क्या करना है, मन सोच रहा है इससे कैसे बदला लूं, मन सोच रहा है इसने ऐसे मुझसे क्यों कहा, मन सोच रहा है मैं क्या करूं इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए, मन सोच रहा है अरे जीवन ऐसा क्या है भगवान। मुंह से हरे कृष्णा चल रहा है, मन तो अपनी नॉर्मल भौतिक गतिविधियों और श्रृंखलाओं में ही बना हुआ है। सो हैविंग माइंड विच इज कंप्लीटली फिक्स्ड ऑन कृष्णा is really some achievement. It is very, very rare. And it comes through a lot of purification. Yes. So, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति का मन कैसा है? एक दिए की शांत दिए की लौ के जैसा है। हम यहाँ ये भी देखते हैं, this is also how a corollary to what Lord Krishna is telling us in Bhagavad Gita. Yes. कि एक भक्त, सिक्स्थ चैप्टर में आता है ध्यान योग में, कि एक भक्त, एक योगी जिसका मन चित्त भगवान के ऊपर केंद्रित है, उसका मन कैसा है? एक दिए की वाती के जैसा, लौ के जैसा, सीधी खड़ी रहेगी, अनडिस्टर्ब्ड बाय एयर फ्लो फ्रॉम आउटसाइड। दैट एयर फ्लो फ्रॉम आउटसाइड रिप्रेजेंट्स material desires. Why is it compared to air flow? Because air is constantly moving. हम देखेंगे हवा बहेगी, फिर शांत हो जाएगी, फिर थोड़ी जोर से बहेगी, कभी एक जैसी नहीं रहती, हवा चंचल होती है। उसी प्रकार से मन भी हमारा चंचल है। It is not that always it is stooped in materialism. Sometimes we really go to a high of spirituality और हमको लगता है यार मैंने अभी कुछ कर ही लिया, इंद्रियों पर विजय पाई लिया, दूसरे दिन सुबह ही सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। हम सभी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि नहीं? मैंने तो बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है। यस यस यस, माइंड इज रियल, यस यस श्याम रसिकदास, यू आर मेकिंग प्रोग्रेस, एंड गो टू सी टू डेज लेटर, अरे मन मेरे। यस, our mind is like this, at least my mind is like this. Yes, it is not stable at all, not stable at all. So it is constantly being drawn, hamesha vishay vastuon ki taraf khicha chala jata hai, hamesha vishay, aur uski galti nahi hai, humne wo sanskar diye hain use, karodon janmon se humne use wahi sanskar diye hain। तो हरे कृष्ण महामंत्र का, भगवान के सानिध्य का कमाल देखिए, करोड़ों जन्मों से जो मन पूरी तरह भौतिक भोग विलासिता में लिप्त है, कुछ महीनों के, कुछ सालों के, एक दो दशकों के हरे कृष्ण महामंत्र के जब से कितना शांत हुआ है, इतना शांत हुआ है। This is, yes, the material nature has influenced the mind for crores of lifetimes. Hare Krishna Mahamantra has influenced the mind for some years, might be one or two decades, not more than that for any one of us. Yes. So one or two decades of the influence of the transcendental sound vibration is enough to get us to a good level of understanding ki ye karodon janmon se jo hum kar rahe the na, isme bahut gadbad hai, isme bahut gadbad, major gadbad hai yahan। So imagine the power of Hare Krishna, imagine the power of transcendental sound vibration। To is man ko niyantrit karne ke liye hum pichle jo shlokon se, 6-7 shlokon se bhagwan ke upar jo purna concentrated dhyan ki baat kar rahe hain, मन को नियंत्रित करना ये कैसे होगा? ये केवल मंत्र के माध्यम से होगा। मन त्रायते इति मंत्र,
तो हम जब मंत्र जप करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र की जो ध्वनि है, ये ध्वनि हमारे हृदय में जाकर के, हमारे कर्ण रंध्रों के माध्यम से हमारे हृदय में जाकर के, हमारे हृदय में वर्षों वर्षों से, जन्मों जन्मों से संचित मैल को वो दूर करके निकाल देती है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। सो दिस हम जो अब तक पिछले 6-7 श्लोकों में देखते आ रहे हैं, दिस इज अ वेरी वेरी एलिवेटेड कंसेप्ट, वेरी वेरी एलिवेटेड। यस, लेकिन हालांकि दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन हमें अपना पहला कदम उठाना भी जरूरी है। तो हम सब उस साधक के जैसे हैं जिसके लिए दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन कदम तो उठाने उसने शुरू किए हैं। अब एक ही काम कर सकते हैं कि हमारे कदम कहीं रुके नहीं और पीछे कभी पलटे नहीं। वन शुड नेवर स्टॉप, वन शुड नेवर लुक बैक, एंड ऑल सक्सेस इज देयर, रेस्ट अश्योर्ड ऑल सक्सेस इज देयर। श्लोक क्रमांक 36। सोप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिम्न्यवसितः सुख दुख बाह्ये हेतुर्त्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्यत् स्वात्मन् विधत्त उपलब्ध परात्मकाष्ठः। Thus situated in the highest transcendental stage, the mind ceases from all material reactions and becomes situated in its own glory, transcendental to all material conceptions of happiness and distress. At that time, the yogi realizes the truth of his relationship with the Supreme Personality of Godhead. He discovers that the pleasure and pain, as well as their interactions which are attributed to his own self, are actually due to false ego, which is a product of ignorance. So, जब देखिए, जब इस प्रकार से एक जीव भगवान के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करके हम अगर भगवद गीता पढ़ेंगे तो भगवान उसमें योग या एक योगी की दो अवस्थाओं के बारे में बताते हैं, योगा रुरुक्षु और योगा रूढ़। योग रुरुक्षु यानी अ प्रैक्टिसिंग योगी हु इज वांटिंग टू बी परफेक्ट, योग रुरुक्षु। योगा रूढ़, एक योगी जिसने योग पद्धति पर अपना पूर्ण स्वामित्व हासिल कर लिया है, he has mastered it, he has become pro। तो ये जो हम श्लोक क्रमांक 27-28 से चर्चा करते आ रहे हैं, ये सारे कंडीशंस जो हैं वो योगा रूढ़ व्यक्ति के हैं। he is completely situated in highest stage of transcendence, thus situated in highest transcendental stage, the mind ceases from all material reactions and becomes situated in its own glory। yes। तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में ही मन कहां से आ रहा है, मन आ रहा है सत्व गुण से। सत्व गुण का एक्चुअल कार्य क्या है, एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक लक्षण सत्व गुण का है समाधान। लेकिन ये समाधान से मन बहुत दूर है कि नहीं? भगवत गीता में अर्जुन का मन कैसा है, अर्जुन बताते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। मन बहुत ही चंचल है, तो कहां से सत्व है, कहीं भी सत्व नहीं है। तो सत्व क्यों नहीं है, सत्व नहीं है क्योंकि इतने सारे जन्मों का उसे भौतिक अस्तित्व मिला है, इतने सारे जन्मों तक उसने जो चाहिए वो किया है, इतने सारे जन्मों तक यस हम मन की बातें मान मान कर मंकी बन गए हैं। यस, जो मन की माने वो मन की, MONKEY। सो इसीलिए वो अभी सर के ऊपर चढ़ के बैठ गया है।
तो उसका कोई गड़बड़ नहीं है। यस सो अगर कोई भूखे शेर को खाना खिला करके ये सोचेगा कि वो मेरी बात मान लेगा, ऐसा नहीं होता। यस अगर शेर से अपना काम करवाना है तो आपको शेर को भूखा रखना ही पड़ेगा, नहीं तो वो आपका काम करेगा ही नहीं। जिस दिन आप वो पूरा खा लिया, वो आपके ऊपर झपट लेगा। उसी प्रकार से अगर हम मन की इच्छाओं को पूरा करके सोचते हैं कि एक दिन मन मुझे छोड़ देगा, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा, ना, ऐसा कभी नहीं होगा। सो माइंड मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय उपवास। उपवास यानी जो मन चाहता है उसे वो देना नहीं है। सो एट अवर स्टेज हमारा मन बहुत कुछ चाहता है, उसे वो देना नहीं है। जिस स्टेज की हम बात कर रहे हैं भगवद गीता में, वहां पे उसे भगवान के दर्शन से इतना कुछ मिल रहा है कि उसे बाकी किसी चीज की इच्छा ही नहीं है। Yes. बाकी किसी चीज की उसे इच्छा ही नहीं है। एट दैट स्टेज वी सी, ऐसे स्तर पर एक भक्त भगवान के साथ अपने संबंध के अस्तित्व को समझ लेता है। दिस इज द प्रयोजन स्टेज। तो इस योगा रूढ़ अवस्था में जो प्रकृति का मूलभूत तत्व है, जहां से पूरी प्रकृति शुरू हुई, अहंकार, वो नष्ट हो जाता है। Yes. At that stage, अहंकार is dissolved. And one's mind actually becomes one with Krishna in quality, not in quantity. Yes, एक योगी का जो मन है qualitatively becomes one with Krishna because in his mind there is only Krishna. Yes. साधुनाम हृदयम महियम साधुनाम हृदयम तु अहम्। This is what is that. मेरे मन में साधु है और साधुओं के मन में मैं हूं। Yes. तेषां मदन्यन जानाति नाहं तेषु मनागपि। वो मुझे छोड़ के और किसी को नहीं जानते और मैं उन्हें छोड़कर और किसी को नहीं जानता। This is that stage. Yes. So, this is the highest stage. ऐसे स्तर पे मन बुद्धि और उसके बाद में अहंकार, अहंकार तक का शुद्धिकरण हो जाता है। और एक जीव जानता है कि जो कुछ भी वो भोग रहा है वो अपने अहंकार के कारण ही भोग रहा है। We might have theoretical knowledge. The realization comes at that yoga root stage. श्लोक क्रमांक 37। देहं च तं न चरमः स्थितमुत्स्थितं वा सिद्धोपवश्यति यतोध्यग मत्स्वरूपं दैवादुपेतमथ दैववशादपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदांधः। Because he has achieved his real identity, the perfectly realized soul has no conception of how material body is moving or acting. Just as an intoxicated person cannot understand whether or not he has clothing on his body. ऐसी अवस्था कैसी है जहां पर वो अपने आप को पूरी तरह से भूल ही जाता है। This is Vasudeva stage. Vasudeva consciousness. No understanding, सुदबुद्धि नहीं है। Yes, जैसे आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं और कहीं तो आप राह चलते चलते आपके बैग कहीं से तो 2-4 रुपए का एक सिक्का गिर गया और वो बाद में पता चला गिर गया 5 रुपए। You don't bother about it. Yes. Similarly, when a devotee, जब एक भक्त भगवान के स्वरूप को देखता है, उसके माधुर्य को जानता है, और ये कहां पर आया है, mind you, all this is coming at the stage of a personal realization,
दिस इज नॉट फ्रॉम इम्पर्सनलिज्म, यहां पर कहीं मायावाद नहीं है, क्योंकि मायावादी तो भगवान के रूप को माया मानते हैं, है कि नहीं? मायावादी कहते हैं भगवान निराकार निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म है, तो निराकार निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म का हास्य, उनके भौहें, उनकी आंखें, उनके बाहु, उनका कमरबंद, उनका पीतांबर, कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स चिन्ह, मुकुट, ये सब गदा, ये सब कहां से आया फिर अगर निराकार निर्विशेष है तो? ना, सो द हाईएस्ट रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा इज पर्सनल रियलाइजेशन, दिस वन शुड हैव एब्सोल्यूटली नो डाउट। केवल जब पर्सनल रियलाइजेशन के बाद ही पर्सनल अटैचमेंट होती है, इस पर्सनल अटैचमेंट के स्तर पर ये सारी चीजें हो रही हैं। Yes, all this is happening at the level of a personal attachment to Krishna. And this attachment is what drives this, the passion for this attachment is what is described as laulya by Rupa Goswami. Bhakti kaise milegi? Bhakti koti janmo ki sukruti se bhi nahi milegi. रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर भक्ति कहीं भी मिल जाए उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि भक्ति ऐसे ही नहीं मिलती, कोटि जन्म सुकृति भीर न लभ्यते, तत्रम लौल्यम केनापि एकम मूल्यम। व्हाट इज द ओनली प्राइस टैग ऑफ गेटिंग भक्ति? इंटेंस ग्रीड टू हैव इट। जब बहुत ज्यादा व्यक्ति लालची है उस भक्ति को पाने के लिए, तभी भक्ति मिलती है। अनेकों कोटि जन्मों तक सुकृतियां करते रहे, भक्ति पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी। हाईएस्ट स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस इज अचीव्ड ओनली बाय इंटेंसली लॉन्गिंग फॉर इट, इंटेंसली लॉन्गिंग फॉर इट। और ऐसी अवस्था में फिर वो वासुदेव स्तर तक पहुंच जाता है, जहां पर उसे अपने काया वाचा मन की कोई सुदबुद्धि नहीं रहती। He has no existence on the level of body. Yes. तो उपमा दी गई है जैसे एक पियक्कड़ व्यक्ति, वो गटर में गिर जाए उसे कुछ सुदबुद्धि नहीं रहती वो कहां है, उसी प्रकार से एक भक्त भी जो है ऐसे मदमस्त है वो भगवत कृपा में, उसे सुदबुद्धि नहीं रहती। सो दिस इज हाउ वी सी देयर इज अ फाइन, वेरी फाइन लाइन बिटवीन अ हाईएस्ट लेवल ऑफ भक्त एंड द ग्रॉसेस्ट मटीरियलिस्ट। दोनों भी कुछ नहीं करेंगे, दोनों भी आउट ऑफ बॉडी रहेंगे। द हाईएस्ट स्पिरिचुअलिस्ट इज आउट ऑफ बॉडी एंड द लोएस्ट ऑफ द मटीरियलिस्ट हु इज अ कंप्लीट ड्रंकर्ड इज ऑल्सो आउट ऑफ बॉडी। So, but then, उस दोनों के बीच में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इन दो अवस्थाओं के बीच में आता है रज, ये दिल मांगे मोर, वो क्लियर कट है, अरे बाबा he is a passionate driven person, but a सत्व and तम externally seen they both seem to be same। एक सत्वगुणी व्यक्ति भी कुछ कार्य करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता, वो जानता है सब भगवान कर रहे हैं। एक तमोगुणी व्यक्ति भी कुछ ज्यादा करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, क्योंकि उसको इच्छा नहीं है। सो इट इज नॉट अबाउट द एक्सटर्नल्स, इट इज अबाउट द मोटिव्स दैट आर ड्राइविंग दोज एक्सटर्नल्स। भक्ति ये कहीं भी बाह्यकारी नहीं है, वो आंतरिक है। बाह्य रूप से व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे उसका आंतरिक विश्लेषण क्या चल रहा है, ये उसकी भक्ति की स्थिति को दर्शाता है। श्लोक क्रमांक 38। देहोपि दैव वशगः खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रति समीक्षत एव सासुः तं सप्रपञ्चमधिरूढ समाधि योगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तुः।
the body of such a liberated yogi, along with the senses, is taken charge of by the Supreme Personality of Godhead, and it functions until its destined activities are finished. The liberated devotee, being awake to his constitutional position and thus situated in samadhi, the highest perfectional stage of yoga, does not accept the byproducts of material body as his own. Thus, he considers his bodily activities to be activities of a body in a dream. वैसे ही एक सही योगी, एक योगारूढ़ व्यक्ति अपने शरीर के कार्यों को कैसे मानता है, जैसे स्वप्नवत कोई व्यक्ति अपने कार्य कर रहा हो। तो व्यक्ति जब स्वप्नवत अपने कुछ कार्य कर रहा है, yes, he might be going through emotions, but as soon as that emotion is broken, he knows that इसमें कुछ सत्य नहीं है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही चलती है, yes. When we are small, हम छोटे क्या बोलते हैं, पेंसिल रबर खिलौने के लिए झगड़ते हैं। जब हम 10th 11th में आ जाते हैं, हमको लगता है अरे कुछ नहीं। जब हम 10th 11th 12th में रहते हैं, हम मार्क्स के लिए झगड़ते हैं। जब हम काम करने लगते हैं, कई बार हम देखते हैं हमसे कम मार्क्स वाले हमसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, या निपट मूर्ख अच्छे कमा रहे हैं, हम कुछ नहीं कमा रहे। yes. हम जब नई नई शादी करते हैं, उनमें पूरी तरह से मस्त होते हैं, लेकिन जो 20 साल से शादी किया हुआ है, हाँ ठीक है वो हो गया। जब बच्चा नया नया होता है, माँ पिताजी अपने बच्चे के लिए पूरा सब कुछ करते हैं, वही बच्चा जब 20 साल का होने के बाद में अपने सींग बड़ा होकर माँ पिताजी को उल्टा जवाब देने लगता है। सो एवरीथिंग इज अ पासिंग फेज, एवरीथिंग इज अ पासिंग फेज, एवरीथिंग इज अ पासिंग फेज। तो हमारे लिए देखिए, प्रकृति हमें टाइम एंड अगेन सिखा रही है कि एवरीथिंग इज अ पासिंग फेज, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से रजिस्टर नहीं हुआ, क्योंकि हम अपने आज के फेज से अभी भी आ सकते हैं। और आज का फेज 15 साल के बाद में, ओह इट वाज अ पासिंग फेज। यस, सो मटेरियल नेचर हैज शोन अस that every phase in life is a passing phase. Still, I am attached to the results of the current phase. This is the ignorance of a living entity. ये एक जीव के अस्तित्व का क्या है? Ignorance है, तमस है, भ्रम है। वो आज के अस्तित्व को बहुत ही ज्यादा प्रखर रूप से लेता है। लेकिन अब हम छोटे थे, बचपन में खिलौने के लिए झगड़ा किया, ठीक है। हम 12th में थे, हमने बहुत मशक्कत की रैंक लाने के लिए, ठीक है, है? हम जब पास आउट हुए कॉलेज से, हमने बहुत मेहनत की अच्छे से नौकरी करने के लिए, अब वो पासिंग फेज है। नई नई शादी हुई तो हम हनीमून मनाए अच्छे से रहे, वो एक पासिंग फेज है। बच्चा हुआ, हमने उसका फर्स्ट सेकेंड बर्थडे मनाया, वो एक पासिंग फेज है। जिंदगी सब पासिंग फेज है। यस, बट knowing all this, I am still attached to the phase I am in. This is what is bodily consciousness. Yahi dehatma buddhi hai. So when one is able to come out of it, one is able to come out of it in present. Yes. Ultimately, in past tense, everything will seem as a passing phase. Jab wo bhutkal mein jayega, sab kuch passing phase hi lagega. लेकिन वो जब अभी है, वर्तमान में है, तो क्या मैं उसे पासिंग फेज के रूप में ले रहा हूं? अगर नहीं, तो देन आई एम स्टिल वेरी मच अटैच्ड टू द बॉडी एंड इट्स इनकम्ब्रेंसेस। अगर मैं उसे पासिंग फेज के रूप में लेता हूं, ये लेना इतना आसान नहीं है, ये लेना इतना आसान नहीं है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्यूरिफिकेशन, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो ये सारी अवस्थाएं जो हैं, ये क्रमशः एक योगी के चित्त को शुद्ध करने का मार्ग दर्शाती है। और आज हमने जो श्रृंखला यहां पे कंप्लीट की है, yes, 38 में, so 28 almost to 38 इन 10 श्लोकों में कपिल मुनि अपनी माँ देवाहुति को इस पर्सनल वर्शिप के बारे में बहुत सुंदर रूप से बता रहे हैं। So this personal worship
personal attachment is something that is really wonderful. Only इस स्तर पे हम शारीरिक चीजों का अस्तित्व भूल पाएंगे. Yes. So, ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपने स्वधर्म को इतना महत्व नहीं देता, केवल परधर्म के माध्यम पर चलता रहता है. Thus we can understand the stage of Tukaram Maharaj, Mirabai, Suradas, Shad Goswamis of Vrindavan. वो स्वधर्म को छोड़ ही दिए थे. Yes. स्वधर्म को वो छोड़ ही दिए थे. They were only interested in Parodharma. So all of these great devotees, इन सबके बारे में जिनके बारे में हम बात करते हैं, they are all at this stage, yoga rudh stage. Yes. So यहां तक कैसे आया जा सकता है? The only qualification it has is intense desire, intense greed. So ultimately we should know कि भगवान के प्रति प्रेम करने की उत्कंठा, yes, उत्कंठा होनी चाहिए. ये उत्कंठा बाकी सारे चीजों को बैलेंस कर देगी. दिस इज द एसेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस. थैंक यू वेरी मच. आज की भागवत चर्चा को हम यही विराम देंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. उपस्थित वैष्णव भक्तवृंद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि.